प्रणाम ऋषिवर, आपका स्वागत है। आप बड़ी ही शुभ घड़ी पर पधारे हैं। देवकी और वसुदेव को आशीर्वाद दीजिए ऋषिवर। मैं तो इन दोनों को आशीर्वाद देने ही आया हूं मथुरा नरेश। मैं तो कब से इस लग्न की प्रतीक्षा कर रहा हूं। सौभाग्यवती भाव, अष्टपुत्रवती भाव, मथुरा नरेश, केवल मैं ही इस शुभ विवाह की प्रतीक्षा नहीं कर रहा था, काल भी इस शुभ विवाह की प्रतीक्षा कर रहा था, क्योंकि देवकी और वसुदेव का आठवां पुत्र तुम्हारा काल होगा और मथुरा को तुम्हारे अत्याचारों से मुक्त करवाएगा। लगता है तेरा जीने से जी भर गया है ऋषि। मैं ये आकाशवाणी सुन चुका हूँ मथुरा नरेश, इसीलिए वर्षों से तपोवन में बैठा बैठा इस घड़ी की प्रतीक्षा कर रहा था। तुम दोनों घबराना नहीं, ये अत्याचारी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तू भी झूठा है ऋषि, और तेरी आकाशवाणी भी। ऋषि झूठ नहीं बोलते मथुरा नरेश, भगवान। तेरे पाप की गागर भर चुकी है, देवकी वसुदेव का आठवां पुत्र ही तेरा वध करेगा और संसार को तेरे अत्याचारों से मुक्ति दिलाएगा। अच्छा किया जो मुझे बता दिया। मैं देवकी और वसुदेव के किसी भी पुत्र को जन्म लेने ही नहीं दूंगा। फिर क्या करोगे आकाश महाराज? मैं देवकी और वसुदेव का वध कर दूंगा और उन्हें किसी भी पुत्र को जन्म देने के लिए जीवित ही नहीं छोड़ूंगा। ऐसा ना करो कंस, ऐसा ना करो। अपनी बहन को मत मारो। तुम्हारा झगड़ा तो देवकी के बच्चों से है ना, मारना है तो उन्हें मारो। यदि तुमने वो बच्चे मुझे ना दिए तो तुम हमें बंदी गृह में डाल देना, और जब तक तुम्हारा भय दूर ना हो हमें मुक्त न करना। कंस, कंस, मैं तुम्हारा पुराना मित्र हूं, 100 बार तुम्हारे लिए अपनी जान पर खेल चुका हूं। पुत्र के दोष के लिए हमें क्यों दंड दे रहे हो भैया? तुम तो मुझे कितना प्यार करते थे, और वही शूरवीर अपनी बहन की हत्या कर देगा। हाँ हाँ, तू तो महावीर है कंस, अपने भाग्य से जूझ, हरा दे अपने भाग्य को, अपनी हथेली पर नई भाग्य रेखा खींच ले, इन्हें बंदी गृह में डाल, एक एक करके मारता जा इनके पुत्रों को। यदि तूने इनके आठवें पुत्र को मार दिया तो तू अमर हो जाएगा। तो फिर यही होगा। आदेश है कि देवकी और वसुदेव को कारागृह में डाल दिया जाए, और जब तक मैं देवकी के आठवें पुत्र का वध न कर लूं, इस ऋषि को भी बंदी गृह में डाल दिया जाए। देवकी के आठवें पुत्र की हत्या करने के पश्चात मैं इस ऋषि को भी दंड दूंगा। इस ऋषि को कोड़ियों के साथ डाल दो। अरे देवकी ने तेरा क्या बिगाड़ा था कंस? ये कमल नैनी कारागार के अंधकार को कैसे सहन करेगी कंस? कंस नहीं पिताश्री, महाराज कंस कहना सीखिए। इन दोनों को इस कोठरी में डाल दो। देवकी यहां 8 पुत्रों को जन्म देने वाली है। इसके हर गर्भ, हर जन्म का समाचार
हमें ठीक समय पर मिल जाना चाहिए। जो आ गया महाराज। भैया मेरी बात तो सुनो भैया। भैया मैंने क्या किया है, मेरा क्या दोष है? क्या आप ये भी भूल गए कि मैं आपकी लाडली बहन हूँ? फिर ये अत्याचार क्यों भैया क्यों? मुझे ब्रह्मा को ये आभास करवाना ना होता कि वीर पुरुष अपना भाग्य स्वयं अपने हाथ से लिखता है, तो मैं तुझे ये दंड कभी नहीं देता। तेरी हस्तरेखा तो भाई को छोड़कर ब्रह्मा से मिल गई। अरे तूने भाई की हत्या में ब्रह्मा से साठ गांठ कर ली। यदि मुझे ब्रह्मा को यह जतलाना ना होता कि कंस तेरे लिखे हुए भाग्य से नहीं डरता, तो मैं तुम दोनों को राज विद्रोह के अपराध में मृत्युदंड देता। परंतु मैं तेरे आठों पुत्रों को जन्म लेने दूंगा, उनकी हत्या करूंगा, उसके पश्चात ब्रह्मा से पूछूंगा कि कहां गया तेरा लिखा हुआ भाग्य। महा